हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व की ट्रिपल एच। गाइस, ये आप अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो आल्सो। सो डियर, आज की जो रीडिंग है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, एंड हम इसके बाद मेजर अरकाना से भी डेफिनेटली देखेंगे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। फिलहाल हम देखते हैं विजडम ओरेकल से, लेट्स सी। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते में क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड। बिटर स्वीट, ओके गाइस, तो इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। मेजर अरकाना से भी चार कार्ड्स ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस हफ्ते में मेजर जो अनएक्सपेक्टेड होगा गाइस, आप लोगों को कुछ विजन्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको ड्रीम्स में दिखाई दे सकती हैं जो भविष्य में आकर आपको ऐसा लगे कि ये सच हो गया, ये रियल हो गया। ठीक है, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ते हुए नजर आ रही हैं इस हफ्ते में। आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में उनका अच्छा समय शुरू हो रहा है। 30 अक्टूबर के बाद तो बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है गाइस, ठीक है, लिख लीजिए कहीं पर। 30 अक्टूबर के बाद बहुत सारे लोग के कनेक्शंस भी हील हो जाएंगे, उनकी लाइफ में आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का गुड लक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर विद व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इस हफ्ते में। मतलब गुड लक यानी कि इस हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा कि ये हफ्ता आपका काफी लकी था। ठीक है, आपको आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम को दिए थे, आप उसे क्रॉस करना चाहते थे, आप बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे थे, आपका कोई चैनल है आप उसमें ग्रोथ चाह रहे थे, आपको ये चीजें इस हफ्ते में नजर आएंगी। आपकी सिचुएशन जो हैंग थी वहां पर आपको एक न्यू बिगनिंग देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। जो काली रात थी ना, काला अंधेरा था, वो छट रहा है, यहाँ पर रोशनी आ रही है इस हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेड होंगी चीजें, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी ग्रोथ हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है। आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ था, ठीक है, कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया था और आपका पैसा डूब गया था, तो आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं से पैसा मिल सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया था, ठीक है, लोन पर किसी को दिया हुआ था, तो वहां से रिटर्न आ सकता है। ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मनी पैसे का गेन हो सकता है,
ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में आप अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज अगर आपको बहुत ज्यादा थे तो डेफिनेटली इस हफ्ते में आप बहुत ज्यादा ठीक देखेंगे हेल्थ इश्यूज को अपने। हेल्थ इश्यूज में आपको आराम मिलेगा, आप अपनी मेडिसिन वगैरह टाइम से लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये हफ्ता आपको ऐसा लगेगा कि यस कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे ही सही पर यस किस्मत चेंज हो रही है, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कुछ लोग अपनी लाइफ को नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत हो गया पुरानी तरीके से जिंदगी को जीना, कुछ नए टारगेट सेट करते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ नई चीजों को अपनी इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपना रूटीन बना रहे हैं, डिसिप्लिन में आ रहे हैं आप इस हफ्ते में, और आपने ये फैसला कर लिया है कि मुझे इस अब से मुझे अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना है, ठीक है, अब मैं और स्टक नहीं रहूंगा। जितनी चीजें आपके हाथ में हैं वो आप डेफिनेटली करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ही होगा। एंड आप अपने आप से काफी सेटिस्फाइड मुझे नजर आ रहे हैं। आप में से सन और मून की एनर्जी है, काफी सारे लोगों का यिन और यांग बैलेंस हो रहा है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है इस हफ्ते में स्ट्रांगली। ओके, अगर मैं विजडम ओरेकल चक्रा की बात करूं, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में नजर आ रहा है, आपका आपका सोलर प्लेक्सस सेक्रल चक्रा भी बैलेंस में नजर आ रहा है, थर्ड आई भी बैलेंस में है, ठीक है, काफी हद तक मुझे आप बैलेंस में नजर आ रहे हो गाइस। यहाँ पर जॉय की एनर्जी, फेथ, देखिए जिन लोगों को भरोसा है कि ईश्वर मेरे लिए कर रहा है और जिन्होंने फुल ऑन सरेंडर किया हुआ है, वो जिंदगी को बड़ी खुशी से जी रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी है, ईश्वर ने एक पार्टनर दिया, ईश्वर ने एक जॉब दी, अगर जॉब चली गई तो दूसरी जॉब आ जाएगी, अगर एक पार्टनर चला गया तो कोई ना कोई आ जाएगा, क्योंकि लाइफ ने जब एक बार दे दिया तो वो दूसरी बार भी दे देगी। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस तरीके का फेथ है यूनिवर्स पर कि आपके साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा आपने अपने मन में बिठा लिया है, और यही कारण है कि आप अपनी लाइफ में हर पल को एंजॉय कर रहे हो, आप जॉय में हो, प्रेजेंट में जी रहे हो, ना आपको पास्ट की टेंशन है और ना आपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में आपने टेंशन लेना छोड़ दिया, आप प्रेजेंट में जी रहे हैं कि मुझे अपना प्रेजेंट बनाना है, प्रेजेंट में जो मैं कर सकता हूँ उसे मुझे करना है, और मुझे अपनी लाइफ में ईश्वर पर विश्वास रखना है कि वो मेरे लिए दरवाजे ज़रूर खोलेंगे और जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी वो मुझे वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देंगे। इस तरीके से लोग अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोगों को कोई ब्लेसिंग भी मिल सकती है यहाँ पर, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि जॉय की एनर्जी आती है, जैसे आपने ईश्वर पर फेथ बनाया तो ईश्वर की तरफ से भी आपको कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मिल जाए, ठीक है, और आप खुश हो जाएं कि ये क्या हुआ, ये मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था कि ये काम हो जाए, सडनली ये काम हो गया, इस तरह की चीज़ें आप अनुभव करेंगे इस हफ्ते में, डियर, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर नजर आता है कि आपको ग्रो करना कैसे, इस तरीके के सारे सवाल जो आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो ना कि परमात्मा बताइए अब मुझे नेक्स्ट क्या हील करना है, क्या मुझे अपना गुस्से को हील करना है, क्या मुझे अपने ईगो को हील करना है, क्या मुझे अपने कौन से ऐसे वॉन्ट्स हैं मेरे अंदर जो मुझे हील करने हैं, तो आप कैसे ग्रोथ कर रहे हो, आप पूछ पूछ के ग्रोथ कर रहे हो, और आप क्योंकि आप पूछ रहे हो तो परमात्मा कहीं ना कहीं से आपको जवाब डेफिनेटली दे रहे हैं, हो सकता है किसी रीडिंग के थ्रू दे रहे हों, हो सकता है मेडिटेशन में दे रहे हूँ, हो सकता है कि आपको कहीं पर कुछ स्टेटस वगैरह आ रहा है वहां से मिल रहा हो, लेकिन जब भी आप परमात्मा से पूछ पूछ कर काम करते हैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं, तो आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, आप परमात्मा से पूछ रहे हो कि अब नेक्स्ट बताओ कि मुझे क्या करना है, जैसे आपने पहले आप बहुत लंबे टाइम से अपनी कर्मा हीलिंग कर रहे थे, ठीक है, अब आपको ऐसा लगा कि आपका कर्मा काफी हद तक रिलीज हो चुका है, अब आप परमात्मा से पूछ रहे हो कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, परमात्मा की तरफ से ऑर्डर आया कि चलो भाई अब कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो आपने कुछ बुक्स ले ली, एक आध बुक ले ली, अब आप उसको धीरे धीरे पढ़ रहे हो, या फिर उन्होंने आपको बताया कि सेल्फ लव में ये चीज ऐड कर लो, तो आपने सेल्फ लव में वो चीज ऐड कर ली, ठीक है, आपको आपको ये बताया गया कि आपके अंदर ये वाला टैलेंट है इस पर थोड़ा काम करो, तो आपने वो वाला टैलेंट अपना बाहर निकाला, उस पर काम करना स्टार्ट किया, तो आप इसी तरीके से ग्रोथ कर रहे हो, और ये चीज़ ना आपको बहुत खुशी दे रही है, जब हम परमात्मा की रजा में राजी हो जाते हैं ना और जिद छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग जिद करते हैं कि मुझे यही चाहिए क्योंकि मेरे लिए यही अच्छा है, परमात्मा ये कहते हैं कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है, जो हम बता रहे वो आपके लिए अच्छा है, तो जब हम जिद छोड़ देते हैं ना तो हमारी सोच से अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं, ठीक है, और जब हम परमात्मा की रजा में राजी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम चाहते हैं उससे भी अच्छी चीज़ें हमारी तरफ आ रही होती हैं। सो इस तरीके से लोग मुझे यहाँ पर ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो खुश हैं, जो भी उनको पास आ रहा है और उनको जो भी काम दिया जा रहा है, जो भी टास्क दिया जा रहा है, उस टास्क को कंप्लीट करते हैं और उन्हें उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तीसरा यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में ऐसा होगा गाइस कि
आपका नजरिया ही बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि आप बहुत दुखी हो रहे थे एक पर्टिकुलर फील्ड में कि यार ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, काश ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा ना हुआ था। सडनली आपका ही परसेप्शन शिफ्ट हो गया, आपको कहीं ना कहीं ऐसी रे ऑफ होप मिली कि आपने अपने अपने आपने नजरिया ही बदल लिया कि आप पहले ऐसे सोच रहे थे ऐसा नहीं हुआ होता तो ज्यादा अच्छा होता, फिर आपको ऐसा लग रहा है सडनली कि अच्छा हुआ ये हो गया, ठीक है कम से कम मैं अपनी लाइफ में यहाँ तक तो पहुँच गया या पहुँच गई, या फिर आपने अपने आप को पूरी परसेप्शन ही बदल लिया, आपने अपना नज़रिया बदल लिया चीज़ों को देखने का। जैसे ही आपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला, जो चीज़ आपको दुख पहुंचा रही थी वही चीज़ आपको ब्लेसिंग लगने लगी। ऐसा कुछ लोगों के साथ होगा अनएक्सपेक्टेड वे में, जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा था कि यार मतलब ऐसा भी हो सकता है, बहुत लंबे टाइम से कोई चीज़ आपके साथ घटित हुई थी और उस चीज़ को लेकर आप ये सोच रहे थे कि मेरी लाइफ पूरी ख़त्म हो गई, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, और यही सोचकर आप 1-1.5 साल से जी रहे थे, सडनली कुछ ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आई कि आपने ये सोचा कि काश 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 ये पहले हो गया होता, ठीक है मतलब आप सडनली ऐसा सोचने लगे कि सही हुआ जो हुआ था, अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता, आज मेरे को ये ना मिला होता। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, मतलब कोई ऐसी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ सकती है कि जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि अच्छा हुआ जो वो हो गया था, अगर वो ना हुआ होता तो आज मैं यहाँ ना होता, यहाँ ना होती और आज मेरे पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग ना होती। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, मतलब कि सडनली आपका नज़रिया शिफ्ट हो जाना, जो पहले आपको कर्ज लग रहा था वो सडनली आपको ब्लेसिंग लगने लगे, ये यहाँ पर आप लोगों के साथ हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आ रही है, सन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, कुछ लोगों का भाग्य परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ये आप यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुनिया में आधे दुख का कारण यही है कि क्या कहेंगे लोग। हम इसीलिए नहीं जी रहे कि हमें खुद को खुश रखना है, हमें खुशी चाहिए इसलिए हम जी रहे हैं, हमें ये दिखाना है लोगों को कि देखो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी है, हम भी बहुत खुशी से जी सकते हैं, हमें भी फिट होना है, तो इस वजह से ज़्यादा दुख है। इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो क्योंकि यही लोग हैं जो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपका कभी कुछ बनने नहीं दिया। आप हमेशा ये सोचते रहे कि इसके बारे में सोच लूँ, उसके बारे में सोच लूँ, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इसी चक्कर में आपने अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दिया। अब आए हैं आप सेल्फ लव में, अब आप वो सोचेंगे जो आपको अच्छा लगता है, अब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, अब आप वैसे बनेंगे जैसे आपको अच्छे लगते हैं, वैसे नहीं जैसे दुनिया आपको देखना चाहती है। सो इम्पार्शियलिटी का कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ को खुद पेंट कर रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत तरीके से पेंट कर रहे हैं, और लोगों का प्रभाव आप पर पड़ना बंद हो गया। मतलब लोग जो आपके बारे में काफ़ी कुछ बोला करते थे, आपको अफेक्ट किया करते थे, उन सब चीज़ों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सब जाओ क्या बोलते साइड में, ठीक है ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव सेल्फ वर्थ एंड एक्सेप्टेंस, तो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग की एनर्जी में ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कि ठीक है अगर यूनिवर्स ने मुझे कोई चीज़ नहीं दी तो वो मुझे मेरी वर्थ समझाना चाहते हैं, और क्योंकि आप अपनी वर्थ को समझ गए हैं, आपने अपने ऊपर मेहनत की, आपको सेल्फ वर्थ दी जा रही है, आप यहाँ भी वर्थी हैं मैट्रिक्स में, आप 5D में भी वर्थी हैं, 5D की चेयर है वो, ठीक है जहाँ पर यूनिवर्स ये समझ जाते हैं कि बंदा मेरी परीक्षा में पास, उसको ये चेयर मिलती है, उसको ये सेल्फ वर्थ की चेयर मिलती है जो यूनिवर्स की परीक्षा में पास हो जाता है। ये 5D में चेयर है, ये हेवन में चेयर है जो आपको मिल रही है, और जब आप हेवन में चेयर कमा लेते हैं ना आपको हेवन में वर्थ मिलने लगती है, जब एंजल्स आपसे खुश होते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश होते हैं, यही सेम चेयर उठाकर वो आपको 3D में भी दे देते हैं, यानी कि आपको यहाँ भी बहुत अप्रिसिएशन, लोगों से बहुत मान सम्मान सब मिलने लगता है, पैसा मनी एवरीथिंग, ठीक है। सो ये आपकी 3D और 5D की सेल्फ वर्थ की चेयर, ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है आपके पास इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड वे में वर्थ भी आ रही है, ठीक है आपको सडनली बहुत वर्दी फील होगा, सडनली आपको ऐसा फील होगा कि यस आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ ऐसे मिलती है ना कि आपको ये लगे आपने मेहनत की थी इसलिए आपको मिली, तब आप की जो खुशी होती है ना वो अलग स्तर की होती है और आपको वर्दी फील होता है, ठीक है। और देखिए ऐसा है कि जो क्या बोलते यू नो अब अगर कोई ऐसा इंसान भी यहाँ पर है जो अभी भी दूसरों से उम्मीद कर रहा है खुशियों की, दूसरों के पीछे चाह रहा है, भाग रहा है कि वो मुझे खुशी दे, ठीक है उसे चेस कर रहा है, तो देखिए वो इंसान यहाँ पर अकेला है। एंजल्स उसको बहुत मैसेज दे रहे हैं पर अगर वो नहीं सुन रहा है तो वो उसकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, तो फिर ऐसे लोग यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में दुख भी झेल सकते हैं, यानी कि अपने पर्सन का रिजेक्शन झेल सकते हैं, अपने पर्सन की कोई गलत बात वो जो आपसे बोल दें वो भी आप झेल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ये भी अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है यहाँ पे। सो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आ रही हैं। लेट्स सी कि कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में।
से बोलते हैं, होप लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन बट चूज लविंग थॉट्स। ये आपसे कह रही है कि लव लव को एक्सेप्ट करो, ठीक है, प्यार में रहो और चीजों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप प्यार सिर्फ और सिर्फ आपका है, जो आपका है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, और आप एक वर्दी इंसान है तो अपनी डिवाइन वर्थ को रिकॉग्नाइज करें। यहाँ भी इसलिए वर्थ का कार्ड था, तो अपने आप को पहचाने कि आप आपकी डिवाइन वर्थ है, ठीक है, और हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपके लोगों के साथ कनेक्शन, डीप कनेक्शन बन रहे हैं, आपके हेवन के साथ डीप कनेक्शन बन रहे हैं, मास्टर बुद्धा के साथ डीप कनेक्शन बन रहे हैं, अपने एंजल्स के साथ आपके डीप कनेक्शन बन रहे हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी अंदर की आवाज आ रही है, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस जो भी आपको बताने की कोशिश करी, डेफिनेटली वो आपको सही बताने की कोशिश करी, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो अपने इनर वॉइस को फॉलो करें, उसको सुनने की कोशिश करें, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल भी गलत डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। यहां तक भी आपको हम लेकर आए हैं, आगे भी हम ही लेकर जाएंगे। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।